सो हे गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो आज के इस वीडियो में आप लोगों को कुछ अलग बताने वाला हूँ। मैं बताने वाला हूँ मॉर्फ मोड के बारे में। अगर आपको नहीं पता मॉर्फ मोड क्या है, तो वो बेसिकली ये होता है कि आपने वर्ल्ड के अंदर किसी भी मॉब या फिर किसी एनिमल, पिग, काउ, कोई भी हो, उसके बारे में आप कन्वर्ट हो सकते हो उसके अंदर। तो आज मैं उसका एक ऐड ऑन का लिंक देने वाला हूँ, और तो आप उसे जाके डाउनलोड कर सकते हो। और प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताने कि आपको ये ऐड ऑन कैसा लगा। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं करा है तो प्लीज़ लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो चैनल को, क्योंकि मैं आने वाले कुछ ही दिनों में या कुछ सालों में, क्योंकि मैं वीडियो अपलोड नहीं करता, एक वीडियो जो ज़रूर डालूंगा ऐड ऑन की या कोई भी माइनक्राफ्ट की। तो और अगर आपने अभी तक मेरे शौक बग लाइव वाले चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और मेरे व्लॉगिंग चैनल का भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब करो। व्लॉगिंग वाले चैनल पे 50-60 होने वाले सब्सक्राइबर, इसमें भी कोई भी एक सब्सक्राइब कर दो, 40 हो जाएंगे। सो बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइस, आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करना है, और फिर वो आपको ये इंटरफेस दिखाएगा। फिर आपको डाउनलोड करना है इस मीडिया फायर लिंक को। तो ये थोड़ी देर में डाउनलोड हो जाएगी, देखो इंपोर्ट मतलब डाउनलोड हो रही है, और मैं इसे ओके पे क्लिक कर देता हूँ। और ये थोड़ा सा ही टाइम लेगी, पता नहीं आपका डिवाइस कैसा है, मेरे को तो थोड़ी देर में हो जाती है। तो यहाँ पे अभी दिखा रहा है डाउनलोड सक्सेसफुली, तो मैं ऊपर से स्क्रॉल कर देता हूँ, और यहाँ पे आप देख सकते हो ये फाइल, तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। और आप ये देख सकते हो यहाँ पे मॉर्फ मोड आ चुका है MCPE, तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। और फिर उसके बाद मैं यहाँ पे रिमेंबर चॉइस कर लेता हूँ, ताकि मेरे को बाद में ना करना पड़े। और माइनक्राफ्ट पे आपको क्लिक करना है सबसे पहले, फिर आपको ले जाएगा ये माइन। सो गाइज, यहाँ पे मेरा माइनक्राफ्ट ओपन हो चुका है, और ये दिखा रहा है इंपोर्ट स्टार्टिंग। सो जब तक ये होता है, तो हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, और ये कुछ ही सेकंड लगेंगे, और ये मॉर्फ मोड अपना हो चुका है। तो मैं आपको बताता हूँ कि इस मॉर्फ मोड को हम अपने वर्ल्ड के अंदर यूज़ कैसे करते हैं। तो गाइज, यहाँ पे मैं इस माइनक्राफ्ट के सेक्शन में आ चुका हूँ, और यहाँ पे हमें सबसे पहले क्रिएट न्यू वर्ल्ड करना है। तो पहले मैं इसे कर देता हूँ, और ये थोड़ा सा लोड हो रहा है। तो हाँ, तो अब हमें क्या करना है, पहले सबसे पहले हमें रिसोर्स पैक के अंदर जाना है। रिसोर्स पैक के अंदर जाने के बाद हमें ये अपना मॉर्फ मोड एक्टिवेट करना है। तो आप देख सकते हो मेरा एक्टिवेट किया हुआ है इसके अंदर। तो मैं गेम वाली सेटिंग के अंदर जाके इसे मैं क्रिएटिव कर देता हूँ, क्योंकि अभी मेरे को आपसे आपको बताना है। और मैं इस शॉर्ट कोऑर्डिनेट्स को ऑन कर देता हूँ, क्योंकि अगर आपको करनी हो तो आप ये कर सकते हो। और साथ साथ में हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, हमें जितने भी ये हैं जो जो मैं कर रहा हूँ, ये करने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वरना ये मॉर्फ मोड हमारा काम नहीं करेगा। तो आप लोग ये करके क्रिएट करना है वर्ल्ड। तो मेरा होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तभी हम इस प्रोसेस को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं। तो गाइज, अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप मॉर्फ मोड यूज़ कैसे करते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या है, क्राउच करना है, और फिर क्राउच करके जंप करना है। तो इसके अंदर टैप टू ओपन मॉर्फ मेन्यू आ जाता है, फिर उसके अंदर टैप करते रहो। जो आपने मॉब मारा है, अब उसके अंदर कन्वर्ट हो सकते हो। तो जैसे कि मैंने काओ मारी थी अभी, तो मैं काओ के अंदर सिलेक्ट करके तेरी काओ, अब मैं एक और बार क्लिक कर दिया, तो हम काओ के अंदर कन्वर्ट हो चुके हैं। तब देख सकते हो इसमें बिल्कुल कुछ भी लैग नहीं है, कुछ भी ऐसे नहीं है, ग्लिच विच नहीं है कर रही काओ। तो अगर आप सर्वर के अंदर करोगे तो और एकदम बेस्ट है, आप अपने फ्रेंड्स को बिल्कुल बना सकते हो कि आप काओ। तो मैं शीप को मार देता हूँ, क्योंकि मैं आपको शीप का भी करके दिखा देता हूँ। ये तभी अनलॉक होती है मॉर्फ मोड जब आप किसी उसे को मार देते हो। इसमें लिखा आ रहा है अनलॉक शीप मॉर्फ। तो अभी मैं क्या करता हूँ, क्राउच करता हूँ सबसे पहले, और जंप। अरे काम के लिए करा। क्राउच जंप। तो गाइस, हम दोबारा से मेन कैरेक्टर अपना बन चुके हैं, तभी हमें क्राउच करके दोबारा जंप। टैप टू ओपन मेन्यू। एंड गाइज, रिमेंबर, जो भी आपने मॉब या कोई किसी भी जानवर को मारा है, आप वही बन सकते हो। तो अभी मैं सिलेक्ट करता रहता हूँ, ब्लेज आ गई, काओ, पिग, और इसके बाद शीप है। तो मैं क्या करता हूँ, ऊपर चले जाता हूँ, ऊपर आपको अच्छे से दिखाता हूँ। तो यहाँ पे ऊपर चले जाता हूँ। ओके, सो आ चुके हैं। शीप अनलॉक करके राइट क्लिक करना है इसे, तो मैं राइट क्लिक कर देता हूँ। ये देखो गाइज, अरे दोबारा से चला गया, कोई बात नहीं गाइज, मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। वो मैंने गलती से डबल क्लिक कर दिया था। तो टैप टू ओपन मेन्यू, ज़ॉम्बी, हस्क, ड्राउन, ऐसे ऐसे चलता रहता है ये, कोई भी अगर आपको मॉब बनना है तो। तो अभी ब्लेज, काओ, पिग, और अब आ चुके शीप। तो राइट क्लिक एक और बार हमें करना है, और हम शीप बन चुके हैं। तो अब देख सकते हो कोई भी हमें दिक्कत नहीं आती,
तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि चिकन कैसे काम करती है। चिकन तो और भी अच्छी चीज़ है कैमोफ्लेज होने में, तो कोई भी लैग नहीं होता, एकदम बढ़िया चलता है। सो गाइस, हमें चिकन की आइडेंटिटी अनलॉक करने के लिए पहले चिकन को मारना पड़ेगा। ओके गाइस, तो हमने चिकन को मार दिया, तो हमारे पास चिकन की आइडेंटिटी अनलॉक हो चुकी है। तो हम फटाफट से चिकन के अंदर फॉर्म होते हैं। अरे शिट, मैं तो थर्ड पर्सन मोड में आना ही भूल गया। सो गाइस, आप देख सकते हो हम थर्ड पर्सन मोड के अंदर आ चुके हैं, और इसके अंदर आप साइड में देख सकते हो हमारे कुछ इफेक्ट मिलते हैं चिकन के। तो इसके अंदर वाटर ब्रीथिंग और स्लो फॉलिंग मिलती है, जैसे आपको पता ही होगा चिकन का भी फॉल डैमेज नहीं ले सकती। और इसके अंदर कैमोफ्लेज भी हम बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, और मेरे को एक चीज़ बहुत अच्छी लगी, वो भी मैं आपको बताता हूँ। सो यू माइट बी थिंकिंग गाइस कि मैं नीचे क्यों खड़ा हूँ पेड़ के। तो एक्चुअली नेक्स्ट मॉब जो है वो है ज़ॉम्बी। तो आपको उसकी एक बात ज़रूर पता होगी कि वो सुबह मतलब दिन के अंदर ऐसे नॉर्मल फील्ड के ऊपर खड़ा रह के जलता है, तो वही इस मॉर्क मॉड के अंदर है। अगर मैं ज़ॉम्बी बन के बाहर खड़ा हो जाऊँगा तो वहाँ पे मेरे को मैं जलने लग जाऊँगा, वैसे मेरे को ये काफ़ी सही लगता है। और देख सकते हो मेरे को, मैं जब ब्लॉक पकड़ता हूँ तो ऐसे दिखता है, तो मैं एक्चुअली क्या करता हूँ एकदम प्रेस करके इसे फेंक देता हूँ बाहर। तो ये भूल थी तो मैंने इसे फेंक दिया। और अब मैं आपको दिखाता हूँ, जब मैं इस पेड़ से बाहर निकलूँगा तो मैं जलने लग जाऊँगा। तो गाइस, अब देख सकते हो मैं जल रहा हूँ, लेकिन मैं डैमेज बिल्कुल नहीं खा रहा क्योंकि मैं क्रिएटिव मोड में हूँ। काफ़ी सही है, अच्छा है, मैं क्रिएटिव मोड में हूँ। मेरे पास सारी की सारी पावर है, तो आप देख सकते हो। एंड गाइस, ऐसा कुछ बात नहीं है कि सिर्फ क्रिएटिव मोड के अंदर, ऐसा ही सर्वाइवल में भी काम करता है। तो इससे आप अपने दोस्तों को प्रैंक कर सकते हो, मज़े ले सकते हो कि आप ज़ॉम्बी बने हुए हो खुद। तो मेरे को मॉर्फ मोड की यही बात एकदम अच्छी लगी। सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल ये वीडियो मैंने लैपटॉप पे फर्स्ट टाइम अपनी एडिटिंग करी है, तो अगर आपको ये एडिट पसंद आई होगी तो मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन। तो यार थोड़ा सा अप्रिशिएट कर दो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना कि मैं ऐसी एड ऑन वाली वीडियोस और बनाऊँ या फिर गेम प्ले सीरीज में, दोनों करने की कोशिश करूँगा। एनीवेज, अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन, चैनल पर सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट गेमिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय।